हेलो एवरीवन, आज बच्चों जो हम बात करने वाले हैं ना, बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आप सी ए आई पी सी सी के स्टूडेंट हैं, सी ए इंटर के स्टूडेंट हैं, बच्चों सी ए इंटर जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है सी ए के कोर्स के दौरान, क्योंकि सी पी टी आपकी या सी ए फाउंडेशन आपकी बड़ा इजीली हो जाती है। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आई पी सी सी में होते हैं। आप कभी देखो, अगर इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो होगा वो आई पी सी सी के स्टूडेंट्स होंगे। आपको पता है तीन स्टेजेस हैं सी ए कोर्स की, सी ए सी पी टी या फाउंडेशन, सी ए इंटर, सी ए फाइनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बोथ ग्रुप करना है, प्लीज लिसन केयरफुली, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बोथ ग्रुप ही कीजिए। अगर आपको बोथ ग्रुप करना है, दोनों ग्रुप करने हैं, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। आप अगर मई 2018 में सीए इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, आपकी सिलेबस की कवरेज कम से कम दो महीने पहले, दो क्लियर मंथ पहले, यानी कि अगर आपका मई 2018 में एग्जाम है तो फेब 2018 तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। डजंट मैटर आप कोचिंग से कर रहे हैं, डजंट मैटर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड ऑफ स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, या आप वीडियोस देख के कर रहे हैं, पेन ड्राइव क्लासेस से कर रहे हैं, सैटेलाइट से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बट आपका 28 फरवरी तक, 28 फेब तक आपका सिलेबस पूरी तरह कवर हो जाना चाहिए। आपको 2 मंथ्स मिनिमम चाहिए रिवीजन के लिए, बोथ ग्रुप की रिवीजन के लिए मिनिमम 2 मंथ्स चाहिए। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। बच्चे क्या करते हैं, अपने फेवरेट सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, या इसको हम डिले कर देते हैं, या उसको रेगुलर नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक टाइम पे 3 या 4 सब्जेक्ट्स की अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम सम्स आके सॉल्व करेंगे होमवर्क में, जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की आप स्टडी छोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़नी है आपको, डेली बेसिस पे आपका जो भी स्टडी प्लान है, टाइम को एलोकेट कीजिए। सपोज आपके पास एक दिन में स्टडी के लिए 6 घंटे हैं और आपके पास 3 या 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप उसको डिवाइड कर दो। सर मैं क्या करूं, मेरा तो सर सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट वीक है। हाँ, तो वीक है तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो। उस वीक सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे में से आप 1 घंटा अलग से निकाल दो, बाकी 5 घंटे बचे, 5 को तो इक्वल डिवाइड करो ना भाई, ठीक है ना। कई टीचर्स जो हैं आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स का बड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, नहीं मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरा टैक्स ये है, मेरा कोस्ट ये है, मेरा अकाउंट्स ये है, मेरा लॉ ये है, ये वो सब कुछ जो है। आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहिए, ठीक है ना। एग्जाम आपको देना है, किसी भी एक पेपर में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, डेली बेसिस पे पढ़िए। अगर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं तो आप 1 दिन 2 1 दिन 3, 1 दिन 2 1 दिन 3, इस तरीके से कर सकते हैं। बट ये नहीं कि हाँ इसको तो मैं वीकेंड पे पढ़ूंगा, या इसको मैं एक बार सिलेबस हो जाए फिर से स्टडी करूंगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बाद में देखूंगा। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो 2 बातें याद रखना अपने सिलेबस के कवरेज को लेके, 2 महीने आपके पास क्लियर होने चाहिए। 2 महीने का मतलब 2 महीने, ये 10 मार्च नहीं, ठीक है, ये 5 मार्च नहीं, 15 मार्च नहीं, 28 फरवरी, 28 फरवरी तक हर हाल में आप अपने कवर सिलेबस को कवर कीजिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी में हैं, चाहे आप कोचिंग में हैं, जैसे भी हैं। आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, एक पेज ले लीजिए, उस पेज पे आप सारे जो अपने टॉपिक्स हैं, उस सब्जेक्ट का उसका नाम लिख लीजिए और कौन कौन सी चीज़ आपकी कवर होती जा रही है उसको टिक करते जाइए। इसको कैसे यूज़ करना है, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने सिलेबस का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, कि आप क्या क्या चीज़ कवर कर पा रहे हैं, वो आपको खुद बना के रखना है। हाँ, ये बच्चों, ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये स्मॉल सिटीज में, छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि छोटे शहरों में प्रोफेशनल टीचर्स जो कि खुद सीए हों वो बहुत कम हैं। मोस्टली ग्रेजुएशन वाले जो टीचर्स हैं या 11th 12th के टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स भी सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो होता है जो 11th या 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, बार बार उनके टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो स्टाइल जो है सीए आईपीसीसी के लेवल पे आके बच्चों कामयाब नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट मत दीजिए, आप टेस्ट कीजिए, उसके लिए आप टीचर पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप टेस्ट अपने आप से भी कर सकते हैं।
आप पास्ट के पेपर्स उठाइए, वो अपने आप बैठ के सॉल्व कीजिए गिवन गाइड टाइमलाइंस के अंदर, और उसको आप कंपेयर कीजिए। आईसीएआई सजेस्टेड आपको प्रोवाइड करता है, आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, अपना पेपर सॉल्व कीजिए और सजेस्टेड के साथ मैच कीजिए। आपको टेस्ट इसीलिए देना है कि मैं क्या पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस टाइम के अंदर कर पा रहा हूँ। कुछ टीचर्स आपको ये कहेंगे नहीं टेस्ट के बहाने स्टडी हो जाएगी, टेस्ट दोगे ना उसके बहाने आप रिवाइज कर लोगे। बच्चों एक बात बताओ, आप सीए आईपीसीसी लेवल पे आ गए हैं, अभी भी आपको बहाना चाहिए पढ़ने के लिए? भाई छोड़ दो सीए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बहाना चाहिए स्टडी करने के लिए, फिर आप कंपल्शन की वजह से कर रहे हैं। वो कंपल्शन आपका खुद का भी हो सकता है, आपकी फैमिली का भी हो सकता है, या पीयर प्रेशर आपके फ्रेंड्स की वजह से, भाई वो सीए कर रहा है मुझे भी करनी है इस वजह से। अगर आप इंटरेस्ट से सीए कर रहे हैं तो भाई आपको बहाना क्या चाहिए स्टडी के लिए। इसलिए ये फालतू की चीजें हैं कि इससे से रिविजन हो जाएगी, इससे पता चलेगा परफॉर्मेंस, एक या दो टेस्ट में पता चल जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आप टाइमलाइंस, आप गिवन टाइमलाइंस के अंदर पूरा कर पाते हैं, यानी आप बड़ा इजिली जान पाओगे। दो या तीन टेस्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट के तीन या चार टेस्ट में आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको उन पे काम करना है, बार बार टेस्ट नहीं देने। टेस्ट का पर्पज है टेस्ट, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिखता है टेस्ट, एक बार टेस्ट लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बार बार टेस्ट नहीं करता डॉक्टर, एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद फिर टेस्ट लेता है, हाँ भाई ये ठीक हो गया या नहीं। वही है, एक बार अपने दो या तीन टेस्ट लिए एक सब्जेक्ट के, आपको अपनी वीकनेस आपके सामने आ गई, आप उन वीकनेस पे काम कीजिए। आपकी अगर स्पीड नहीं है तो आप क्या कीजिए, राइटिंग ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। जैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं हैं घर में जाके, तो या लिखते नहीं हैं, तो आप उसको करके डेली बेसिस पे सॉल्व कर लिख के देखिए। कोई भी एक केस स्टडी, कोई भी लॉ का प्रोविज़न है, आप उसको करके देखिए। ये नहीं कि जो है कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम टेस्ट देंगे, ठीक है ना, उस पर काम करो। काम करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस फील हो, फिर एक दो टेस्ट हो जाएं, आप पता लग जाए आपने कितना इंप्रूव किया, ठीक है ना। उसमें अगर कमी है तो एक दो टेस्ट फिर हो जाएं। ये नहीं कि बस हाँ जी आज टेस्ट है, फिर 3 तारीख को टेस्ट है, फिर 6 को टेस्ट है, फिर 12 को टेस्ट है, फिर 15 को टेस्ट है। भाई सीए आईपीसीसी है, आपका जो एग्जाम है वो रीजनिंग बेस पे होगा, एक बुक के बेस पे। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, एक बुक आपको दे देंगे, उसी बुक में से या किसी भी बुक में से वही क्वेश्चन पेपर बनाते रहेंगे और वही टेस्ट आप देते रहोगे, आपको वही क्वेश्चन रट जाएंगे, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा नहीं। क्या गारंटी है वही क्वेश्चन आएगा? कोई गारंटी नहीं है वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एग्जाम में वो क्वेश्चन आया नहीं, अब क्या करोगे? सोचोगे ना, सोचने में टाइम लगा दोगे। क्यों? क्योंकि पहले कभी सोचा ही नहीं, अपने रीजनिंग स्किल्स को डेवलप किया ही नहीं। सिर्फ हम तो टेस्ट दे रहे हैं जी, हम तो टेस्ट दे रहे हैं। अरे भाई टेस्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मेन जो चीज़ है आईपीसीसी के लेवल पे, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके सामने केस स्टडी आई टैक्स या लॉ के पेपर में, आपको पता होना चाहिए, आप उसके एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए कि आप उसको एनालाइज कर पाओ कि इसको मुझे किस रेफरेंस में आंसर करना है। ये स्किल आपको चाहिए, ये स्किल टेस्ट देने से नहीं आएगी, ये सोचने से आएगी। प्रॉब्लम आपके पास है, प्रॉब्लम को सोचो, रीजनिंग से आएगी, ठीक है ना। अगर आप यही बने रहोगे 11, 12 के स्टूडेंट्स की तरह से आईपीसीसी में टेस्ट दे दूंगा, टेस्ट दे दूंगा, टेस्ट दे दूंगा, टेस्ट से रीजनिंग स्किल तो डेवलप हुई नहीं, एग्जाम में आके प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। टेस्ट मैं ये नहीं कह रहा मैं टेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सेसिव टेस्ट के अगेंस्ट हूं कि आपके 10 टेस्ट होंगे, एक सब्जेक्ट के 15 टेस्ट होंगे, 2 महीने टेस्ट ही होते रहेंगे, ठीक है ना। ये सब बेवकूफों वाली बातें हैं। 4 या 5 टेस्ट एक सब्जेक्ट के बहुत हैं आपको जज करने के लिए। आपको जज करने के लिए टेस्ट देना है, ना कि बहाने के लिए टेस्ट देना है, ये ध्यान रखिए। ध्यान रखें बच्चे, अगर आप बौद्ध ग्रुप के लिए जा रहे हैं, एक साथ सारे 8 के 8 सब्जेक्ट्स की कोचिंग ना लें। अगर आप कोचिंग से जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी एक साथ आप 8 के 8 सब्जेक्ट्स ना उठाएं। पहले आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स उठाएं, उनको कंप्लीट करें, या जब वो कंप्लीट होने वाले हों तब आप दूसरे सब्जेक्ट्स उठाएं, ठीक है। और ये बेटर रहेगा आप एक ग्रुप के उठाएं सारे सब्जेक्ट्स, पहले एक ग्रुप को खत्म करो, फिर आप दूसरे ग्रुप को खत्म करो, ठीक है। एक साथ 8 के 8 सब्जेक्ट्स आपको लेके नहीं चलने, पहले 1-4 सब्जेक्ट्स उठाओ, उसकी कोचिंग करो या सेल्फ स्टडी जो भी आपको करना है उसको कंप्लीट करो, देन यू गो फॉर द अनदर 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक साथ सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, आपके पास घर में स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना। सपोज आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली सारे सब्जेक्ट्स की, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं, 8 सब्जेक्ट्स की कोचिंग आपने एक साथ ज्वाइन की। इसीलिए
एक साथ सारे सब्जेक्ट्स नहीं, और कोचिंग इस तरीके से डिसाइड कीजिए कि आपका दिन का लगभग जो भी आपके स्टडी आवर्स हैं 50-60% ऑफ टाइम जो है वो कोचिंग में चला जाए और 40-50% आपको घर में भी मिले। ये ना हो कि आप सुबह पहले जा रहे हैं जी हमारी क्लास है 7 से लेकर 10 बजे तक, फिर 10:30 से लेकर 1 बजे तक हमारी दूसरी क्लास है, फिर हमारी 2 to 5 तीसरी क्लास है, शाम को आगे रात को आगे क्या पढ़ोगे, 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ के आगे, रात को आगे पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा आपके पास, होमवर्क करने का ही टाइम नहीं होगा। इसलिए ये गलती मत करना, ठीक है ना। देयर शुड बी 50% आपका जो टाइम है। हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ऐसी जगह पे कोचिंग रख लेते हैं कि जहां पर 3-3 घंटे की 4-4 घंटे की एक एक क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, तो वहां आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप कोचिंग तो आपको हो सकता है अच्छी मिल भी जाए, लेकिन स्टडी नहीं कर पाओगे भाई, आपको स्टडी भी करनी है। वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहें, रिकॉल करते रहें, रिवाइज सारा सब्जेक्ट पूरा एक वीक का सारा सिलेबस, कोशिश तो कीजिए रिवाइज होने की। लेकिन अगर रिवाइज नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट वीकेंड पे बैठ के ये सोचिए कि मैंने इस पूरे वीक में क्या 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 स्टडी किया, क्या क्या स्टडी किया। वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद, रिकॉल होने के बाद आपके सामने पिक्चर होगी, हाँ मेरे पास ये चीज़ मैंने एक वीक में की, ये चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं, इसमें मेरे को डाउट है। अब आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल गई कि यहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन जो है ना हर बच्चा पूछता है, हर बच्चा, बिकॉज मैं भी बच्चों आपको बता ही है जी मैं कोस्ट एफएम डील करता हूँ आईपीसीसी लेवल पे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, सर मुझे आईपीसीसी पहली बार में पास करनी है, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई आपको जितने घंटे अवेलेबल हैं उतने घंटे पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है, उससे ज़्यादा तो पढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। और घटाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना, सीए एज ए कैरियर ऑप्शन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट द एंटायर लाइफ, ठीक है ना। सीए इज नॉट इटसेल्फ ए लाइफ, सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो सीए करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। ये नहीं है कि भाई ये तो हमने एक तरीके से कोई बनवास ले लिया, ठीक है ना। कई लोग जो है बिल्कुल रूम लॉक, बिल्कुल कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे स्टडी करना, ऐसा नहीं है। लाइफ को एंजॉय भी करो भाई, ठीक है ना। लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है आपको, ठीक है ना। अल्टीमेटली हम सारी चीज़ें क्यों करते हैं, हम करियर क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम पैसा कमा सकें। और पैसा कमा के क्या करोगे, एंजॉय ही तो करोगे, ठीक है ना। एंजॉय करने के लिए पैसा कमा रहे हैं तो एंजॉय करते करते पढ़ाई कीजिए। अब घंटों वाली बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बच्चे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए प्लीज़। आप अपनी क्लासेस में जाइए, कोचिंग में जाइए, कोचिंग में जाते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसको पढ़िए, अपने सिलेबस को रिकॉल कीजिए। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं बच्चे अपने सिलेबस को रिकॉल करें, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को कवर करें, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। घंटों के बारे में आप मत सोचिए। बच्चे ये पूछते हैं ज़रूर कि हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, नाइट में पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग टाइम इज़ बेटर, ठीक है ना। और ये जो इवनिंग का टाइम होता है ना, जो इवनिंग का 5, 6, 7, 8, 9, ये डिस्ट्रैक्शंस का टाइम होता है, इस टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई मत करो। 5 से 6 या 6 से 8 जो ये टाइमिंग्स होते हैं, इस टाइम पे आप स्टडी मत करो, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए रात को जल्दी सोएं और सुबह आप 4:00, 3:30 इस टाइप से आप उठ के पढ़िए, 3:00 भी उठ सकते हैं, तो मॉर्निंग में पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बजाय कि आप लेट नाइट स्टडी करें। बिकॉज आप लेट उठने के बाद, देखो आपको पढ़ना अंधेरे में, आप ये चाहते हो कि मेरे को रात का जो सन्नाटा है उस सन्नाटे में मुझे पढ़ाई करनी है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं है उस टाइम पे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब दो ऑप्शन है, अगर आप रात को स्टडी करते हैं तो क्या होगा, आप पूरे दिन में क्लासेस लिए, आपने स्टडी किया, अब उसके बाद आप रात को फिर स्टडी, आपका जो माइंड है वो थका हुआ है। लेकिन अगर आपको अर्ली, आप अगर नींद कर ली, अगर आपने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपने सुना है सभी ने, ठीक है ना, तो अगर आप जल्दी सो गए और उसके बाद आप जल्दी उठ गए, तो जब आप उठ के स्टडी करेंगे आपका माइंड टोटली फ्रेश होगा उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे आपको स्टडी का मज़ा आएगा। हाँ, एक बार उठने में आपको हो सकता है कुछ दिनों में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप रात को टाइम पे सोने की हैबिट अपनी बनाएंगे, अर्ली स्लीप की हैबिट बनाएंगे, तो अर्ली राइज की हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी। और ये सीए में कामयाब है बच्चों, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही स्टडी किया करता था अपने टाइम पे, ठीक है ना। तो अर्ली मॉर्निंग इज
बेटर, बिकॉज ये सारा जो हमारा एक बायोलॉजिकल जो है, अगर उसको स्टडी करें, जो हमारा ये सिस्टम है, हमारी बॉडी जो है, इसी हिसाब से एडजस्ट की गई है कि रात को हम सोएं, रात को हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम दिन में जागेंगे, रात को जागेंगे, और टाइमिंग्स पे अगर हम नींद करेंगे, तो ये हमारे मतलब लाइक ठीक नहीं है हमारे माइंड के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कीजिए। बच्चों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आखिर में कम से कम 2 मंथ्स पहले अपना, लेकिन उन 2 मंथ्स में आपकी पढ़ाई कैसी रहे, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं और आपको बनाऊंगा, और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूंगा कि उस वीडियो का ये लिंक है जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी 2-3 बातों का मैं खास ध्यान रख बताता हूँ। लास्ट के 2 मंथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है। आपको नया सिलेबस नहीं करना, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। आप जितनी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवाइज करना है, ठीक है ना, उसको बार 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 रिवाइज करना है, ठीक है। 3 या 4 बार उन 2 मंथ्स में आपको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। 3 या 4 बार अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो शायद ही आपको सक्सेस से मतलब वंचित रहना पड़े, शायद ही 100% चांसेस है कि आप क्लियर कर जाओगे अगर आप उस सिलेबस को 3 या 4 बार ईमानदारी से, सिंसेरिटी के साथ स्टडी कर लोगे तो।